मैं लिखती हूँ बस तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम सबके ख्वाब जिए। मैं लिखती हूँ बस तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम सबके ख्वाब जिए। कोई न कुचल दे तुम्हारे मासूम ख्वाबों को, इसलिए वो पंख बन जाना चाहती हूँ और ढेर सारे पंख उड़लाना चाहती हूँ, जो तुम्हें अपने पंखों तले सहारा देकर और छाया देकर मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे। और ढूंढती हूँ तुम्हारी खुशियों को अपनी ही खुशियों के संग, इसलिए हम में से कई परिंदे तुम जैसे छोटे छोटे मासूमों के साथ है चल दिए बनाने कारवां हमारा और तुम्हारा, ताकि हम सब बन सकें तुम्हारा एक खूबसूरत सहारा, एक खूबसूरत सहारा। हमें नहीं पता है कि अपनों को तुमने कभी देखा भी या नहीं, लेकिन हम सब चलिए तुम्हें देने थोड़ा सा सहारा, और भरने लगे उड़ान हम सब, ताकि हमारे पंख दे सके तुम्हें कुछ हद तक जिंदगी की, कुछ हद तक जिंदगी की कड़ी धूप से किनारा, कड़ी धूप से किनारा। तुम्हें मुस्कुराते देख कर हम सब मुस्काएंगे, तुम्हें मुस्कुराते देख कर हम सब मुस्काएंगे, और इस दुनिया को छोड़ने से पहले अगर ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ करके ही जाएंगे। हम सब की सृजनात्मकता तुम्हारे लिए कुछ कर सके, बस यही हम सबका ख्वाब है तुम्हारे जैसे छोटे मासूम बच्चे जिंदगी को खुशी से जी सके, जिंदगी को खुशी से जी सके। अब यही हम सबका जज्बात है और यही हमारी इबादत, बस यही हमारी इबादत और ख्वाब है। मैं लिखती हूँ बस तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम सबके ख्वाब जिए। मैं लिखती हूँ बस तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम सबके ख्वाब जिए। मैं लिखती हूँ बस तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम सबके ख्वाब जिए। सॉरी फॉर रफ वॉइस, बस मैंने ऐसे ही गा दिया बिना किसी प्रैक्टिस के। थैंक यू किड्स फॉर हियरिंग मी। मैंने ये ऑर्फन के किड्स के लिए, ऑर्फन किड्स और गरीबों के किड्स के लिए लिखा है जिनका कोई सहारा नहीं है, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग मी।